यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का द एयर ऑफ परमैन सीजन 2 के सेकंड एपिसोड के अंदर। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि बर्डमैन और वो जो बंदा जिसने बर्डमैन का रूप ले रखा था, वो लोग चले जाते हैं वही डायमेंशनल स्टोन की तलाश में, जो कि एक्चुअली डायमेंशंस के बीच में है। और दूसरी तरफ बर्ड पैड पे इचिरो को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि अपना पास्ट बता रहा था कि जब वो लोग परमैंस थे तब क्या क्या सीन हुआ था। वो बूढ़ा आदमी इचिरो से कहता है कि उनके टाइम के कुछ परमैंस कुछ ऐसे ही खतरनाक मिशन के लिए गए थे डायमेंशंस के बीच में, और वहीं पर उनका कांटेक्ट टूट जाता है और वो लोग अचानक से ही गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद, बस थोड़े टाइम के लिए, उन लोगों का कॉल कनेक्ट होता है बर्ड प्लेनेट से, और उसमें से आवाज़ आ रही थी, कुछ लोग भीख मांग रहे थे अपनी लाइफ के लिए, हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। और उसके बाद वो कॉल डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद आगे तो हम लोग देखते हैं कि इचिरो वहीं पर था उस बूढ़े आदमी के साथ। इचिरो और सवाल पूछता है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे प्रीवियस परमैंस। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे इतने ज़्यादा पावरफुल थे वो लोग, मतलब उनमें का एक परमैन 10 बर्डमैन के लेवल का था। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी वो लोग किसी चीज़ का सामना नहीं कर पाए। अभी वो क्या चीज़ है हमें नहीं पता। उस डायमेंशन के बीच में क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता, वो बस ऐसे ही गायब हो गए। लेकिन मुझे इतना पता कि वो लोग ज़िंदा है, अभी भी वो लोग ज़िंदा है। इस केस के बारे में बर्ड प्लैट को पता है, लेकिन ये पूरा राज रखा है, किसी को नहीं पता है ये सब कुछ। और इसके बाद उस केस के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ये बर्ड प्लैनेट वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही रोक दिया, इसलिए मैंने परमैन का काम छोड़ दिया, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन सब कुछ छोड़ दिया और बस वापस से सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं अभी भी ट्राई करता हूँ उनको कॉल कनेक्ट करने के, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो लिंक ही टूट गई है शायद। तो तभी इचिरो कहता है कि ये सब कुछ सीक्रेट रखा है, बट क्यों, क्या है इसका रीज़न। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो बच्चे, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है ये सब कुछ सीक्रेट क्यों रखा है। अगर इन लोगों ने ये सब कुछ रिवील कर दिया तो शायद ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कुछ तो सीक्रेट रखा है इन लोगों ने। बर्ड प्लैनेट के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, ये प्लैनेट ही पूरा का पूरा मिस्ट्री है। इस प्लैनेट पे बहुत सारे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। तो तभी चिरो कहते कि हाँ वो तो मुझे पता है, वो परमैन के पास जो स्वॉर्ड थी वो भी एक पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन है। और हाँ, कुछ महीनों पहले एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई दिया था जो कि कुछ तो बेच रहा था, वो बर्ड प्लैनेट पे भी दिखाई दिया था। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ बर्ड प्लैनेट पे, तब हमारे प्लैनेट पर भी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई थी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इचिरो वहाँ से चले जाता है उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कह के। तो इसके बाद यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्डमैन और वो आदमी के पास चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी स्पेसशिप पे बैठ के डायमेंशन के बीच में जा रहे थे। तभी जाते जाते उनको एक अजीब सी चीज़ दिखती है, कुछ तो ऐसा पोर्टल जैसा खुल रहा था। तो तभी वो आदमी कहता है कि ये चीज़ मैंने कहाँ पर तो देखी है, ये किसी डायमेंशन का पोर्टल है, कोई तो यहाँ पर आने वाला है। बर्डमैन जल्दी से हमें छुपना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई तो आने वाला है। तो इसके बाद बर्डमैन और वो आदमी अपनी स्पेसशिप को लेकर एक एस्ट्रॉयड के पीछे चले जाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस डायमेंशन पोर्टल से कुछ गिन के 4-5 शिप्स निकलते हैं जो कि कुछ जाने पहचाने थे। बर्डमैन को थोड़ा सा डाउट आता है, वो कहता है कि ये स्पेसशिप्स मैंने कहाँ पर तो देखे हैं, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहे। तो तभी बर्डमैन की नज़र एक ऐसे चीज़ पर चली जाती है जिससे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उस स्पेसशिप के पीछे एक लोगो बना हुआ था, और वो लोगो एक्चुअली बर्ड प्लैनेट को इंडिकेट कर रहा था। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये स्पेसशिप्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो तभी वो आदमी कहता है कि ये स्पेसशिप्स के बारे में इतना क्या खास है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये स्पेसशिप्स एक्चुअली बर्ड प्लैनेट के हैं, बर्ड प्लैनेट पे जो पहला मॉडल बना था स्पेसशिप का ये वही है, और वो इतना ज़्यादा परफेक्ट बना था
कि इसके ऊपर कोई भी हमला करेगा तो स्पेसशिप को कुछ भी नहीं होगा। ये एक्चुअली गायब हो गए थे कुछ टाइम पहले, जब मैं छोटा था तब। मतलब कुछ न्यूज़ आ रही थी टीवी पे कि कुछ परमैंस एक ख़तरनाक मिशन के लिए गए थे और तभी वो लोग गायब हो गए, और ये वही स्पेसशिप्स है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हमें लगा कि ये लोग मर गए। लेकिन एक सेकेंड, उन स्पेसशिप्स के अंदर कौन है ये नहीं पता। शायद ही उनके बीच में अलग डायमेंशन के लोग रहेंगे। चलो जल्दी से उनका पीछा करते हैं। तो तभी वो आदमी कहता है कि हमारा मिशन तो अलग है, हमें वो जल्दी से जल्दी डायमेंशन स्टोन लेके आना है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, डायमेंशन स्टोन लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये शिप्स अगर हमें मिल गए तो हम लोग एक्चुअली डायमेंशन थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इन स्पेसशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है डायमेंशन थ्रू ट्रैवल करने की। तुमने वो देखा ना, वो स्पेसशिप्स एक्चुअली डायमेंशन पोर्टल से ही बाहर आए हैं, ये वही एबिलिटी है। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? तो तभी वो आदमी कहता है कि अरे ये लोग वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, शायद ये लोग भी डायमेंशन स्टोन के पीछे है। जल्दी बर्डमैन, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा, इनसे पहले हमें पहुँचना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि वो डायमेंशन स्टोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्लैक परमैन ने बोला है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी अपने स्पेसशिप को ज़ोर से भगाते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लैनेट था जो कि पूरा का पूरा ग्लो कर रहा था, और उसी प्लैनेट पर है डायमेंशन स्टोन। अगर उस स्टोन को हटा दिया तो डायमेंशंस का बैलेंस हिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी जल्दी से उस प्लैनेट पर लैंड कर जाते हैं, और वो लोग लैंड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से और 4 स्पेसशिप्स लैंड कर जाते हैं उसी प्लैनेट पर। और तभी बर्डमैन और वो आदमी एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और अपनी स्पेसशिप को भी छुपा लेते हैं, और वहीं से देखते कि उन स्पेसशिप से कौन कौन निकलता है। और जैसे ही उस स्पेसशिप से आदमी निकलते हैं तो बर्डमैन उन आदमियों को देख के एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। 30 से 40 साल पहले ये लोग गायब हो चुके थे, मतलब मेरे हिसाब से ये लोग मर गए थे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये लोग ज़िंदा कैसे हैं? अगर ये लोग ज़िंदा है तो ये लोग बर्ड प्लैट पे आए क्यों नहीं वापस? ये अजीब सी बात नहीं है? तो तभी वो आदमी कहता है कि बर्डमैन ये लोग कौन है? तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये फर्स्ट परमैंस है जिनको पहला परमैंस सेट मिला था, मतलब ये हमारे प्लैट के सबसे पावरफुल परमैंस है। हर एक परमैन की एबिलिटी 10 बर्डमैन की एबिलिटी के जितना है, मतलब अगर मैं इनसे मुकाबला करूँगा मैं इनके सामने टिक ही नहीं पाऊँगा। उनके पास 10% पावर है, उतनी पावर है बस मेरे पास। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? ये लोग ज़िंदा कैसे हैं? एक सेकेंड, कुछ तो अजीब है इन लोगों में, इनके आंखों का रंग पूरा काला क्यों है? मुझे अभी गारंटी लग रहा है इनको कोई तो कंट्रोल कर रहा है। अगर ये लोग कंट्रोल में नहीं रहते तो अभी तक तो बर्ड प्लैट पे आए रहते ये लोग, कोई तो है इसके पीछे। तो तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक गेस करूँ, शायद मुझे लग रहा है कि इनके पीछे वही डीमन पावर वाले लोग हैं, क्योंकि इनके आंखों को देखकर तो वही लग रहा है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस प्लैनेट पर तो बस डायमेंशन स्टोन ही एक ऐसा प्रेशियस आइटम है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, शायद ये लोग भी डायमेंशन स्टोन के पीछे ही है, इन लोगों को शायद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि अरे तुम्हें पता है क्या, हम लोग जब बर्ड प्लैनेट से निकल रहे थे तभी मुझे ब्लैक परमैन ने रोका था और बोला था कि डायमेंशन स्टोन डायमेंशंस खोलता है अलग अलग यूनिवर्स का, डायमेंशन स्टोन से तो नॉर्मल डायमेंशन में हम आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बस एक डायमेंशन में वो स्टोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि है डीमन डायमेंशन। तो तभी वो आदमी कहता है कि ओ शिट, ये लोग उसी के पीछे है, शायद इनका प्लान है उस स्टोन की मदद से डीमन डायमेंशन का पोर्टल खोलने का, और शायद ये लोग पूरे यूनिवर्स में कब्जा कर सकते हैं। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये नहीं हो सकता, हमें जल्दी से जल्दी उस डायमेंशन स्टोन को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये स्टोन किसी भी हालत पर उनके हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, जल्दी से चलो हमें उस स्टोन को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी जल्दी से उस स्टोन की तलाश में चले जाते हैं, और वो दोनों पूरा का पूरा सर्चिंग चालू रखते हैं, और वो 4 लोग जो कि अलग स्पेसशिप से आए थे
वो लोग भी डायमेंशन स्टोन ढूंढना शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी ढूंढते ढूंढते एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग देखते हैं कि एक पूरा का पूरा माउंटेन ही ग्लो कर रहा था। तो तभी वो दोनों लोग श्योर हो जाते हैं कि इसी के अंदर है डायमेंशन स्टोन। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी उस माउंटेन के पास चले जाते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन लोगों को ठीक माउंटेन के बीच में वो स्टोन दिख जाता है। और तभी वो दोनों लोग एक केव से गुजरकर उस डायमेंशन स्टोन के पास पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर पहुंचने के बाद बर्डमैन कहता है कि अगर हम लोग इस डायमेंशन स्टोन को अगर हटा देंगे यहाँ से तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, शायद डायमेंशन का बैलेंस बिगड़ जाए और पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाए। लेकिन अब करेंगे क्या, कैसे उठाएंगे उस डायमेंशन स्टोन को? तो तभी वो आदमी कहता है कि बर्डमैन आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये देखो मेरे पास क्या है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये क्या है, ये कौन सा पत्थर है? तो तभी वो आदमी कहता है कि बर्डमैन ये पत्थर नहीं है, ये एक्चुअली डीमन स्टोन है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि डीमन स्टोन, इससे भी हम डायमेंशन ट्रैवल कर सकते हैं क्या? तो तभी वो आदमी कहता है कि अरे नहीं नहीं इससे डायमेंशन ट्रैवल नहीं कर सकते, इससे हम लोग बस टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो तभी बर्डमैन कहता है कि अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है, लेकिन इसका करेंगे क्या? तो तभी वो आदमी कहता है कि देखो इस डायमेंशन स्टोन के बारे में ज़्यादातर ब्लैक परमैन को ही पता है, तो उसको ये भी पता है कि डायमेंशन स्टोन का वेट कितना है और डायमेंशंस में बैलेंस कौन रख सकता है। ब्लैक परमैन ने मुझे बोला था कि ये स्टोन असल में एक अलग डायमेंशन का स्टोन है जो कि उस डायमेंशन को बैलेंस रख रहा था, लेकिन एक्चुअली वो डायमेंशन तबाह हो चुका है और ये डायमेंशन स्टोन बस कुछ ही जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल डायमेंशन स्टोन एक्चुअली पूरे यूनिवर्स में किधर भी ट्रैवल कर सकता है, कौन से भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, ये तक डीमन डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकता है, ऐसा मुझे ब्लैक परमैन ने बोला था। अभी बस हमें इस स्टोन को रिप्लेस करना है उस ओरिजिनल डायमेंशन स्टोन से तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी डायमेंशन स्टोन के पास चले जाता है और जल्दी विद इन अ सेकेंड डायमेंशन स्टोन को डीमन स्टोन से एक्सचेंज कर देता है, और इसके बाद डायमेंशन स्टोन बर्डमैन और उस आदमी के पास आ जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो तभी वो चारों के चारों लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बर्डमैन और उस आदमी के पास डायमेंशन स्टोन है, तो उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये डायमेंशन स्टोन हमारा है, जल्दी से हमें लौटाओ इसको। तो तभी वो बर्डमैन कहता है कि तुम चारों लोग तो गायब हो गए थे ना, तो फिर यहाँ पर कैसे आए तुम लोग, तुम लोग बर्ड प्लेट पे क्यों नहीं आए वापस? तो तभी उन चारों में से एक आदमी बोलता है कि बर्ड प्लेनेट, हाँ नाम सुना हुआ लग रहा है। तो तभी उन चारों के दिमाग में एक शॉक लगता है और वो कुछ टाइम के लिए तड़पने लगते हैं। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये क्या हो रहा है इनके साथ, इससे पहले ये लोग ठीक हो जाए जल्दी से भागो यहाँ से। तो तभी हम लोग देखते कि वो आदमी और बर्डमैन जल्दी से भाग जाते हैं वहाँ से और जल्दी से उड़ते उड़ते पहुँच जाते अपने स्पेसशिप के पास। लेकिन अचानक से ही वो चारों के चारों लोग उस स्पेसशिप के पास आ जाते हैं, मानो जैसे उनके पास टेलीपोर्टिंग की एबिलिटी है, और वो लोग हमला कर देते हैं बर्डमैन और उस आदमी के ऊपर, और उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी उनसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते उनमें से एक आदमी लेज़र बीम शूट करता है और वो जाकर लगता है डायमेंशन स्टोन के ऊपर, और डायमेंशन स्टोन बीच में से क्रैक हो जाता है और आधे में टूट जाता है, और वहाँ पर धुआं हो जाता है और एकदम ज़ोर से तेज़ तूफान आता है, बहुत सारे डायमेंशन पोर्टल्स खुल जाते हैं। लेकिन वो चार लोग जल्दी से आधे वाले डायमेंशन स्टोन को उठाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन बर्डमैन और वो आदमी वहीं पर फंसे रहते हैं। वो लोग डायमेंशन स्टोन को पकड़ के रखते हैं, लेकिन वो लोग अलग ही डायमेंशन में जाके फंस जाते हैं। वो दोनों लोग डायमेंशन में फंसने से पहले बर्डमैन एक चीज़ देखता है, और वो चीज़ देख के बर्डमैन शॉक में पड़ जाता है। वो देखता है कि उनके स्पेसशिप में और कोई नहीं परमैन था, और वो भी उन्हीं लोगों के जैसा दिख रहा था, परमैन की आंखें ब्लैक हो चुके थे। तो गाइज़ अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही फैनमेड स्टोरीज और एनिमे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।